आज नवरात्रि का सातवां दिन है। आज के दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। आइए पंडित अवनीश त्रिवेदी जी से जानते हैं माता कालरात्रि की पूजा विधि और माता कालरात्रि का स्वरूप। ओम नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय शततम नमः नमः प्रकृते भद्राय नियतः प्रणतास्मताम। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के सप्तम दिवस के माँ के स्वरूप के बारे में। तीन नेत्रों से सुशोभित उनका मुख है, जिसमें बीच का त्रिनेत्र है जो खुला हुआ है। माँ के हाथ में अस्त्र शस्त्र विराजमान है और माँ का वाहन गदा है और माँ का रंग काला है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम काले वस्त्र पहन करके माता का पूजन करें, इसलिए विशेष रूप से ध्यान दें, श्वेत वस्त्र और लाल वस्त्र पहन के ही माता रानी का पूजन विशेष रूप से करना चाहिए। आज के दिन माता रानी को क्या भोग लगाएं? माता रानी को हम विशेष रूप से खीर, पूड़ी, हलवा और गुड़ की अगर खीर बना सकते हैं तो गुड़ युक्त खीर बना करके माता रानी को विशेष रूप से भोग लगाना चाहिए। और हम माता रानी के पूजन की विधि के बारे में बात करें तो माता का सर्वप्रथम आवाहन ध्यान प्रतिष्ठित करना है। माँ का दूध दही घी शहद शक्कर से स्नान कराना है, पंचामृत से स्नान कराना है, उनको वस्त्र पहनाना है, लाल वस्त्र पहनाना है, लाल वस्त्र से माँ को सुशोभित करना है। और साथ ही में माँ को चमेली के पुष्प बहुत प्रिय हैं, माता जी को चमेली के फूलों का हार बना करके माता को अर्पण करना चाहिए, साथ ही चंदन युक्त अक्षत चढ़ाना चाहिए, साथ ही माता जी को धूप दीप दिखा करके नैवेद्य लगाना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि नैवेद्य में गुड़ का उपयोग जरूर करें, माता को जो भी भोग बनाए उसमें गुड़ का उपयोग जरूर करें। माता को नैवेद्य लगाने के बाद फल चढ़ाएं, फल के बाद उनको तांबूल चढ़ाएं, तांबूल के बाद भगवती की आरती करें, क्षमा याचना करें भगवती से, इस प्रकार भगवती की पूजन करना चाहिए। ओम अम्बे अम्बिके बालिके नमः नायाति कश्चन सस्त्यश्वाताः सुभद्रिका